हेलो गाइस इट्स मी सौरभ सॉरम वेलकम बैक टू माय चैनल झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है बी में फर्स्ट ईयर में और थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर लेटर एंट्री में तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का एडमिशन हो चुका है अब खाली एक प्रोसेस बाकी रह गया था वो है आपका रजिस्ट्रेशन ठीक है तो रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका जे ओ से जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आपका वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाया जाता है तो ये सब ये सब जो अपडेट है वो कॉलेज वाला को कॉलेज के द्वारा भेज दिया जाता है कॉलेज में भेज दिया जाता है ये सब अपडेट ठीक है ना तो आज का इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन मतलब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस, इस नोटिफिकेशन में जो रजिस्ट्रेशन के बारे में जो बोला गया है इस वीडियो में आज सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है आपसे जे से ठीक है तो जे से रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है अगर आपका नाम अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका जो नाम है वो जे से रजिस्टर्ड हो जाता है और वो आपको वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाता है जब आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाया जाता है सेमेस्टर में तो वहाँ तो उस टाइम चलान वगैरह कटवाने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ एग्जामिनेशन ही क्यों और भी बाकी चीज़ के लिए जैसे आपका ये हुआ आपका प्लेसमेंट को लेके हो जॉब प्लेसमेंट को लेकर हो ये सब के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है ठीक है तो इसलिए ये आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जा रहा है ओके और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो बी आई टी में है या तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में है या तो चायबाशा रामगढ़ दुमका आर वी एस ये सब कॉलेज में यूसेट के जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने यूसेट में एडमिशन लिया तो ये वीडियो ना देगा क्योंकि यूसेट वालों का अलग प्रोसेस है ठीक है तो देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा मैं आपको एक बार बता देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका नौ तारीख से जो कि नौ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका फिफ्टीन जैन ठीक है यहाँ पे फिफ्टीन जनवरी यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब नौ तारीख से लेकर फिफ्टीन मतलब 15 जनवरी के बीच में आपको चलान वगैरह कटवाना होगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा ठीक है और जो शुल्क जो लगेगा रजिस्ट्रेशन को वो आपका फाइव हंड्रेड लगेगा विदाउट लेट फाइन ठीक है और अगर आप 15 के बाद मतलब 16, 17 और 18 मतलब अगर 18 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो 16, 17, 18 को अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो चलान वगैरह कटवाते हो तो उस टाइम आपसे विलम्ब शुल्क लिया जाएगा मतलब विथ लेट फाइन लिया जाएगा जो कि आपका सेवन हंड्रेड रुपीज़ लगेगा ठीक तो है तो जो स्टूडेंट जो लोग पंद्रह से पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो लोग करवा लीजिए क्योंकि आपसे विदाउट लेट फाइन का पैसा लिया जाएगा जो कि फाइव हंड्रेड रुपीज़ लगेगा ठीक है और उसके बाद अगर जो सिक्सटीन सेवनटीन या तो एटीन को अगर जो लोग चलान कटवा के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनसे सेवन हंड्रेड रुपीज़ लिया जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होगा जब आप आ, चलान कटवा के रजिस्ट्रेशन करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा आपको एक डेट दिया जाएगा कॉलेज द्वारा अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज द्वारा कि आपको आना है कॉलेज आके UH! आपने जो चलान कटवाया आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है तो वो आपको जमा कर देना है ठीक है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता करना है रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा पूरा लाइफ के साथ ठीक है ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो ठीक है ना इतना डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है उसके बाद जो डेट में आपको बुलाया जाएगा कॉलेज द्वारा तो वहां पे आपको पहुंचना होगा पहुंच के आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म हुआ और जो चलाना है वो आपको जमा करना है ठीक है अब, अब अब ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त ठीक है तो उस वो घबराने वाली कोई बात नहीं है तो आप मतलब जो कॉलेज है ना वो लोग पहले वेरीफाई करते हैं कि आप कहीं गलती किए हो या नहीं ठीक है तो इस आप लोगों को क्या करना होगा अगर मान लीजिए अगर आपसे अगर कोई गलती हो जाता है रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो आपको क्या करना है एक एप्लीकेशन लिखना होगा ठीक है कि सर मैंने ये ये गलती किया मेरे ये है ठीक है ना तो मैंने अपना गलती किया है तो आप मेरा करेक्शन कर दीजिए तो कॉलेज वाले क्या कर देंगे वो आपका करेक्शन कर देंगे ठीक है वो है आपका इक्कीस तक लास्ट डेट है वो करेक्शन वगैरह करके अप्रूव करके वो जे में भेजेंगे ठीक है या आपका क्लियर हो जाएगा अगर बाई चांस अगर आपसे गलती हो जाता है तो ठीक है अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको चलान कटवाना है फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ बताऊंगा बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिन्होंने बीटेक में अभी एडमिशन लिया है अगर वो अगर अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया है ट्वेल्थ का या तो डिप्लोमा का तो वो लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर जमा करते पच्चीस तारीख तक क्योंकि उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया जा नहीं लेगा और शायद आपका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिले ठीक है ना तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिनका अभी तक जमा नहीं हुआ तो जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए ट्वेल्थ का या तो डिप्लोमा का जो लोग लेटर एंट्री से एडमिशन लिया ठीक है अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चलान कटवाना है या तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस आपका चलान कटवाना है ठीक है या तो आप चलान कटवा भी सकते हो या तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो गूगल पे फ़ोन पे या तो पेटीएम का माध्यम से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो जिनका घर के नज़दीक अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो जाके वो लोग चलान कटवा सकता है जिनका घर से नज़दीक नहीं है बैंक तो वो लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है अगर कुछ ही प्रॉब्लम हो तो वो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है ठीक है अब आप लोग सोचें कि सर ये चलान तो कटवाएंगे तो चलान मुझे कहाँ से मिलेगा ठीक है तो क्या करना आपको ज्ञान ज्योति वेबसाइट में आना होगा ठीक है ये है आपका ज्ञान ज्योति की वेबसाइट जहाँ आपको चलान भी मिलेगा और यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा ठीक है इस वेबसाइट का लिंक का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक ठीक है तो वहां से आप जाके सीधा अगर आप वो लिंक को ओपन करोगे तो आपका होम पेज ओपन हो जाएगा ठीक है तो जब आप होम पेज को ओपन करोगे यहां पर आपको दिख रहा होगा गेट बैंक चलान हेयर ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका चलान ओपन हो जाएगा ये चलान है आपका ठीक है तीन पेज का चलान है इसको आपको डाउनलोड करना होगा ठीक है डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालना होगा ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल लीजिएगा तीनों का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल लीजिएगा निकालने के बाद आपको क्या भरना है अब इस अब चालान को भरना होगा ठीक है तो इस चालान में क्या क्या चीज़ डिटेल्स में भरना होगा मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो देखिए कुछ ऐसा प्रिंट आपका निकल के आएगा चलान ठीक है तो जब आप चलान का प्रिंट निकालोगे ऐसा लैंडस्केप में ठीक है तो आपको क्या क्या डिटेल्स बनना होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ठीक है तो देखिए यहाँ पे तीन कॉपी दिख रहा होगा एक बैंक कॉपी दिख रहा होगा एक जेओटी बोर्ड कॉपी दिख रहा होगा और एक कैंडिडेट कॉपी दिख रहा होगा ठीक है तो यहां पे क्या करना है यहां पे नीचे आने के बाद यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फी कोर्स दिख रहा है यहाँ पे ठीक है तो यहां पे आपको क्या लिखना है बीटेक बीटेक फर्स्ट ईयर टू ठीक है जो जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो वो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर लिखेंगे और जो उन्होंने लेटल एंट्री से एडमिशन लिया तो वो लोग लिखेंगे बीटेक टेक सेकेंड ईयर 2022 जीरो टू टू लेटरल एंट्री ठीक है बीटेक टेक सेकेंड ईयर ब्रैकेट में थर्ड सेमेस्टर भी लिख सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ये आपको मेंशन करना होगा ठीक है या आपका क्लियर हो जो लोग बीटेक फर्स्ट टाइम में एडमिशन ले तो वहाँ पे लिखेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी लेटरल एंट्री में एडमिशन लें बीटेक सेकंड ईयर 2022 ब्रैकेट में लेटरल एंट्री ठीक है लिख दीजिएगा लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना फाइव हंड्रेड मैंशन करना होगा ठीक है करके यहाँ पे आपको टिक कर देना है ओके करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट फाइव लिखना होगा ओके लिखने के बाद अमाउंट वर्ड्स में आपको फाइव हंड्रेड लिखना होगा ओके यहाँ पे लिख दीजिए 500 हंड्रेड ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन तो क्या करना है आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में आउट कर देना रजिस्ट्रेशन लिखना होगा ठीक है रजिस्ट्रेशन लिख दीजिएगा अब यहाँ पे आपसे पूछा पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एप्लीकेबल ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं भरना है यहाँ पे क्योंकि अभी आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर की आप अप्लाई कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है फिर आप अपना स्टूडेंट नेम दे दीजिएगा यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा यहाँ पर फोन नंबर दे दीजिएगा ठीक है देने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट डेट दिख रहा हो ठीक है तो डिपॉजिट डेट कब भरना है जब आप चिलान कटवाने जाओगे उसी दिन का डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना होगा ठीक है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी भरना होगा जी बोर्ड कॉपी में और कैंडिडेट कॉपी में भी ये तीनों आपको भरना होगा ठीक है ये तीनों भरने के बाद आपको बैंक जाना होगा कहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक सिर्फ एक ही बैंक है जो कि आपको इसी बैंक में ही जमा करना होगा इसके अलावा आप कोई भी बैंक में जाइएगा सिर्फ और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में ही जाइएगा जाके ये चलान को उनको दे दीजिएगा और 500 का कैश दे दीजिएगा उनको वो आपका चलान काट के वहाँ यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो बैंक वाले ठीक है ना तो वो आप वो आपको वहाँ पे मेंशन करके एक स्टैंप मार देगा तीनों में तीनों में लिख देगा ट्रांजैक्शन है ना करके यहाँ पे स्टैंप मार देगा तीनों में मार के यहाँ ये यह वाला जो हिस्सा है जो बैंक कॉपी है वो बैंक वाले रख देंगे और आपको जी बोर्ड कॉपी और कैंडिडेट कॉपी आपको लौटा देगा ठीक है तो ये आपका पहला प्रोसेस है ठीक है जो कि ऑफलाइन चलान कटवाने का प्रोसेस है ठीक है और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस क्या मैं आप, आपको एक बार बता देता हूँ जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं फ्रॉम फोन पे से या तो गूगल पे से या तो पेटीएम से तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको फ़ोनपे अगर मैं आपको फ़ोन पे पे के माध्यम से बता रहा हूँ सेम प्रोसेस है आप गूगल पे भी आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए पे आपको दिख रहा हो टू बैंक यूपीआई आईडी ठीक है इस पर आपको क्लिक करना होगा ठीक है जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा ओके करने के बाद आपको किस बैंक पे आपको ये पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको तो पंजाब नेशनल बैंक में ही ट्रांसफर करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में आपको क्लिक करना होगा ठीक है करने के बाद यहाँ पे आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा अकाउंट नंबर कहाँ से आपको मिलेगा जो आपको मैंने चलान दिखा दिया था तो चलान में वहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन है ठीक है ऊपर तरफ में तो आप वो अकाउंट नंबर आप उसमें मैंशन कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आप या तो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा चलान का फोटो अकाउंट नंबर का फोटो तो आप वो अकाउंट नंबर डाल सकते हो और अगर आपसे आई कोड मांगता है तो आप आई कोड दे दीजिएगा और अगर नहीं मांगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा देने के बाद फिर आपको वहाँ पे रेसिपेंट नेम मांगा जाएगा तो वहाँ पे लिख दीजिएगा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम ठीक है इंटर अकाउंट होल्डर नेम तो यहाँ आप झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी ठीक है करने के बाद फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट में जाकर आप अपना फाइव हंड्रेड रुपीज़ पेमेंट कर सकते हो करने के बाद उसका जो ये आएगा पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा स्लिप आएगा उसका तो उसमें यू नंबर मैंशन होगा ठीक है तो ऐसा कुछ आपका निकल के आएगा मैं आपको एक दिखा देता हूँ ठीक है तो कुछ ऐसा आपका निकल के आएगा ट्रांसफर डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पे आपको यू नंबर दिख रहा होगा तो यू नंबर जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालना होगा ठीक है ये फोन पे का हुआ और जो हम गूगल पे से करेंगे गूगल पे में आपको ट्रांजेक्शन आई दिखेगा आपका गूगल पे आई दिखेगा तो वो गूगल पे आई, तो पे आई, आई आपको मैंशन करना तो पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है अब अब पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा फिर से आपको ज्ञान ज्योति के वेबसाइट में आना होगा लिंक प्रोवाइड किया गया है ठीक है आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा ठीक है करने के बाद यहां आपसे पूछाएगा सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट कोर्स में आपको बी uh, क्लिक करना होगा करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा ठीक है तो जो ईमेल uh, आईडी वही दीजिएगा जो अभी आप आगे के लिए काम मतलब यूज करोगे वही वै, और वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा ठीक है ना क्योंकि email, जो ईमेल आईडी आप दोगे ना इसमें ना तो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आगे काम के लिए यूज होना चाहिए अगर कुछ भी अपडेट हो उसी में आ सकता है ठीक है तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं अगर तो आप यहां पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा और यहां पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा ठीक है डालने के बाद यहां पे आपको साइन अप लॉगिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा जिसमें से जो स्कैंड फोटोग्राफ जो कि आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो भी फाइव के के अंडर वो आपको अपलोड करना है उसके बाद आपसे सिग्नेचर जो कि 500 हंड्रेड के बी के अंदर है ना वो आपको अपलोड करना है एक पेपर में वाइट पेपर में आपको ब्लैक या तो ब्लू पेन से सिग्नेचर करके वो आपको अपलोड करना है ठीक है और एक चीज़ जो आपका लेफ्ट थम इम्प्रेशन जो है वो भी आपको अपलोड करना है फाइव के बी के अंडर और लेफ्ट हैंड थम होना चाहिए ठीक है अब बात करते हैं स्टेप वन प्रोसेस जिसमें से आपको आपसे नाम वगैरह पूछे जैसे आप स्टूडेंट नेम दे दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा अपना अपना जेंडर हुआ कास्ट कैटेगरी हुआ फादर्स नेम मदर्स नेम मोबाइल नंबर ई मेल प्रेजेंट एड्रेस और पिन कोड वगैरह सब कुछ दे दीजिएगा और अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा ठीक है करने के बाद सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट में जब आप क्लिक करोगे तो इसमें सेकेंड प्रोसेस आएगा सेकेंड प्रोसेस में क्या पूछा जाता था आपसे इंस्टीट्यूट नेम आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज इसमें आपको सेलेक्ट करना है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बी आई टी मैंने सेलेक्ट किया तो बी आई सिंधरी में सेलेक्ट कर दीजिए और साथ ही साथ आपको क्या ब्रांच मिला है वो अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में मैंने क्लिक किया है तो सिविल इंजीनियरिंग में क्लिक कीजिएगा करने के बाद आपसे पूछा है काउंसिलिंग टैप तो आपने किस काउंसलिंग के थ्रू आया या तो आप जे बोर्ड के द्वारा आए हो या तो ओपन काउंसलिंग के थ्रू आए हो या तो मैनेजमेंट कोटा ठीक है तो अधिकतर स्टूडेंट हो जे बोर्ड के थ्रू आए हो तो अगर आप जे बोर्ड के थ्रू आए हो तो जे बोर्ड में क्लिक कीजिएगा अगर आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू आए हो तो ओपन काउंसलिंग में क्लिक कीजिएगा तो अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से आए हो तो मैनेजमेंट कोटा में क्लिक कीजिएगा मैनेजमेंट कोटा उन्हीं लोग स्टूडेंट लोग के लिए जो पीपीपी कॉलेजेस में जो लोग एडमिशन लिया है है ना या तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है ठीक है तो उन लोगों के लिए मैनेजमेंट कोटा का फैसिलिटी है ठीक है पी कॉलेज में जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो उनके लिए मैनेजमेंट कोटा में क्लिक करना मैंने समझिए जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लिया वो मैनेजमेंट कोटा कहला जाता है ठीक है तो जो लोग काउंसलिंग के थ्रू आया वो लोग जे बोर्ड में क्लिक करेंगे जब करने जब इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा एडमिशन टाइप तो एडमिशन टाइप क्या आपका रेक अगर रेगुलर है अगर आप फर्स्ट uh, ईयर वाले स्टूडेंट हो तो आपको रेगुलर में क्लिक करना है अगर आप थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हो तो आपको लेटर एंट्री में क्लिक करना है फॉर एग्जाम्पल मैंने लेटर एंट्री में क्लिक किया करने के बाद तो आपसे पूछेगा आपका सी रैंक कितना है जे का काउंसलिंग के थ्रू जो आपको सी रैंक कितना था वो आपको डालना है फिर उसके बाद पूछेगा जनरल मेरिट रैंक आपका जनरल मेरिट रैंक क्या है वो भी आपको डालना होगा जो जो सी रैंक आपको मिला है वो जनरल मेरिट रैंक में रैंक में आपको वही डालना होगा ठीक है अगर आप एस टी एस सी या तो ओ बी सी से अगर बिलोंग करते हो तो अगर अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो आप अपना कैटेगरी रैंक दे दीजिएगा अगर नहीं है तो मत डालिए कोई जरूरत नहीं ठीक है अगर आपका प्रिमिटी ट्राइब जो एस टी ट्राइब से बिलोंग करते हैं या तो पी एच या तो एमसीक्यू क्यू या तो एस एम क्यू कोटा से बिलोंग करते हैं वो लोग भी अपना रैंक डाल सकते हैं नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसके बाद आपसे पूछ जाएगा कैटेगरी थ्रू विच सीट अलॉटेड बाय जे सी किस कैटेगरी से आपको सीट मिला अगर आपका जनरल से मिला है तो जनरल में क्लिक कीजिएगा अगर बी सी वन मिला है या तो बी सी टू या तो एस सी या तो एस टी मिला है तो आप उसमें आप क्लिक कर सकते हैं तो मैंने जनरल में क्लिक किया है उसके बाद आपसे पूछ जाएगा नेचर ऑफ सीट अगर आपको मैनेजमेंट uh, कोटा के थ्रू अगर आपको टी एफ डब्ल्यू कोटा या तो पी एच कोटा या तो फ्री या तो पेमेंट सीट मिला है फ्री या पेमेंट वही लोग सेलेक्ट कर पाएंगे जिनको पी वी पी कॉलेज मिला है ठीक है तो पी कॉलेज में फ्री सीट जिनको मिला है तो वो लोग फ्री सीट में क्लिक कर सकता है जिन लोगों को पेमेंट मिला है तो वो लोग पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं अगर जिनको पी सीट मिला है तो फ्री में अगर सेलेक्ट करता है तो वो लोग को अदर में कुछ भरने का जरूरत नहीं अगर जिनको जनरल सीट मिला है फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बी आई टी सी में अगर जिनको कॉलेज मिला है और उनको जनरल सीट मिला है तो वो लोग अदर में क्लिक करके वो लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है तो वो लोग यहाँ पे अदर में क्लिक कर सकते हैं जिनको जनरल सीट मिला है ठीक है और उसके बाद आपसे एडमिशन डेट पूछेगा एडमिशन डेट का मतलब ये है कि अगर जिस डेट में आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में वो एडमिशन डेट आपको डालना होगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू डेट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको ट्वेल्थ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और डेट जो कि इशू डेट जो है वो आपको डालना होगा अगर आप लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हो जो आपको डिप्लोमा में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला था उसमें आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट वो आपको इसमें डालना होगा जो सर्टिफिकेट में मैंशन है वो आपको डालना होगा ठीक है डालने के बाद जब आप सेवन प्रोसीड टू जाओगे नेक्स्ट प्रोसेस में तो आपसे ट्रांजैक्शन आईडी या तो यू नंबर मांगा जाए जो कि जा आपने चलान कटवाया है चलान आ, चलान में आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा तो आपको आईडी वो आपको डालना होगा तो स्टेप थ्री का प्रोसेस क्या मैं आपको एक बता देता हूँ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन आई डी नंबर ठीक है तो जिन्होंने चलान कटवाया है है ना जो लोग ऑफलाइन चलान कटवाए तो वो लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला एक आईडी ऐसा नंबर आपको वो लोग देंगे ठीक है तो वो यही ऐसा नंबर जो आपको बैंक द्वारा देंगे तो जो बैंक वाला है, जो नंबर देंगे लिख के तो वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा ठीक है ओके और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे फ़ोनपे से या तो गूगल पे से तो जो लोग फोन पे वाले स्टूडेंट हैं जो लोग फोन पे से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक यू नंबर ऐसा दिख रहा होगा बारह डिजिट का तो वो यू नंबर आपको इस यहाँ पे आपको मैंशन करना होगा ठीक है और जो लोग गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपीआई ट्रांजेक्शन आई डी ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में ही ठीक है तो ये आपको आईडी जो है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा ठीक है जो लोग ऑनलाइन गूगल पे से या तो फोन पे से पेमेंट करेंगे और जो लोग ऑफलाइन चालान से कटवाएंगे तो मैंने आपको बता दिया वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आई लिख देगा तो वो आपको यहाँ पे मैंशन करना होगा ठीक है चलान डेट मतलब जिस दिन आपने चलान कटवाया हो या तो जिस दिन आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना होगा रजिस्ट्रेशन फी जो है आपका विदाउट लेट फाइन जो कि आपको थ्री फिफ्टी रुपीज़ सॉरी फाइव हंड्रेड रुपीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ठीक है फाइव हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा उसके बाद आई एफ एस कोड ऑफ द बैंक थ्रू विच फी इज़ डिपॉजिटेड ठीक है अब यहाँ पर आई एफ एस कोड मांगा जाएगा उस बैंक से जहाँ से आपने चलान कटवाया है ठीक है या तो ऑनलाइन पेमेंट किया है अब मैं आपको बता दूं जो लोग ऑफलाइन चलान कटवाया है पंजाब नेशनल बैंक से जिस बैंक से आपने चलान कटवाया ध्यान जरूर रखिएगा जिस बैंक से आपने चलान कटवाया है उस बैंक से आई कोड पता कर लीजिएगा तो वो लोग आई कोड बता देंगे तो वहां पर जो आई कोड वो लोग जो देंगे वही आई कोड यहाँ पे आपको डालना होगा ठीक है समझ गए जिस बैंक से आपने चलान कटवाया कहीं से भी हो कहीं से भी कोई से पंजाब नेशनल बैंक क्यों ना हो उसी बैंक में जाके वहाँ पे आप अपना बोलिएगा कोई भी सर या तो मैडम को कि सर इस बैंक का जो आई कोड क्या है वो आपको वो बता देंगे ठीक है जिन्होंने ऑफलाइन चलान कटवाया है जिन्होंने ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट किया या तो फोन पे से या तो गूगल पे से ओके तो आपका तो फोन पे या तो गूगल पे तो कोई बैंक से तो लिंक होगा चाहे वो स्टेट बैंक क्यों ना हो चाहे वो आई बैंक क्यों न हो चाहे वो कोई भी कोई भी बैंक क्यों ना हो ठीक है ना तो क्या करेंगे आपका जो अकाउंट है जिस बैंक मतलब जिस बैंक में अक, आपका जो अकाउंट बना हुआ है उस बैंक में जाके आपको आ, आपको आई कोड पता करना होगा ठीक है या तो आपका जो बैंक है उस बैंक का पासबुक में तो आई कोड मेंशन रह गई तो वहां से आप अपना आई कोड पता कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने फोनपे से अपने पैसा पैसा पेमेंट किया है ठीक है तो आपका जो फोनपे जो है कोई तो बैंक से लिंक होगा फॉर एग्जाम्पल एस से है कि नहीं और वो एस अकाउंट या तो आपका होगा या तो आपके फादर का होगा ठीक है ना तो आपका जो अकाउंट है आपका जो अकाउंट का जो पासबुक है वहाँ पर आई कोड मेंशन रहेगा तो वो आई कोड इसमें डाल दीजिएगा ठीक है या तो जो लोग गूगल पे से जो लोग पेमेंट किया आपका तो गूगल पे तो किसी बैंक से तो लिंक है एस बी हो या तो कहीं से तो उस बैंक का जो आई कोड है यहाँ पे आपको इस पे आपको डालना होगा ठीक है डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे स्कैंड इमेज ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट हम इंप्रेशन आपको लेफ्ट हम इंप्रेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना है और जो स्टूडेंट सिग्नेचर वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है ठीक है करने के बाद क्या करना है सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म आपको लिखने को मिलेगा ठीक है कुछ ऐसा फॉर्म आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको दिखने को मिलेगा वो आपको डाउनलोड करके रख देना होगा ठीक है जहाँ आपको फोटो फिर आपका जो जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट हम इंप्रेशन जो कि फोटो ये आपको डालना होगा और ये आपका सिग्नेचर डालना होगा ठीक है तो मैंने आपको बताया देखिए चलान का ट्रांजेक्शन यू टी नंबर यहाँ पे मेंशन किया हो तो यहाँ पे आपको डालना होगा ठीक है चलान डेट जिस दिन आपने कटवाया चलान या तो जिस दिन आपने ऑनलाइन पेमेंट किया वो आपको मेंशन करना होगा ठीक है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब तो आपको तो पता ही होगा ठीक है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिएगा यहाँ पे ओके okay. तो ये आपका क्लियर हो चुका है ठीक है अब ये इसका पेमेंट इसका प्रिंट और चलान जो कि जे कॉपी है वो दोनों आपको ले जाना होगा कॉलेज में जाके आपको वहाँ पे जमा कर देना है ठीक है या तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट किया है गूगल पे से या तो फोन पे से तो गूगल जो लोग फ़ोन पे वाले स्टूडेंट है तो वो लो लोग उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा इसका प्रिंट निकाल के आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जमा कर देना है ठीक है या तो जो लोग ऑनलाइन जिन्होंने गूगल पे से पेमेंट किया तो वो लोग गूगल पे वाला ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल के रजिस्ट्रेशन uh, फॉर्म के साथ प्रिंट निकाल के उसको आपको अटैच करके कॉलेज में जाकर दे देना होगा ठीक है तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर क्लियर हो चुका तो मैंने पूरा एकदम डिटेल के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सारा चीज़ मैंने आपको बताया बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मुझे भी अच्छा लगे क्योंकि इतना डिटेल में कोई आपको बताया भी नहीं होगा ठीक है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ थैंक यू